एग्जिट पोल जो आज हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको ले चलूं, यदि शुरुआत में ही ये एग्जिट पोल का आंकड़ा आज का है जो कुछ चैनलों के तरफ से है, जो यदि स्क्रीन पे मैं आपको दे पाऊं, ये अलग अलग चैनलों का आज का, ये पूरा गोलमोल है जो एकदम से कहीं से कोई मेल नहीं खाता। और ये सर बिहार का एग्जिट पोल है, ये बिहार का एग्जिट पोल है। देखिए जमीन पर कहीं कोई धर जो एग्जिट पोल किया, किसी का कोई सच नहीं हो पाया। इसमें आप ग्रीन में यदि देख रहे होंगे तो इंडिया टुडे ने महागठबंधन को 140 से 161 सीट दिया था, न्यूज नेटवर्क 18 ने 180 सीट दिया था महागठबंधन को। तो ये क्या झोल है, इनके एग्जिट पोल पे भरोसा कितना किया जाए सर? नहीं, ये इनपे इनके एग्जिट पोल पे भरोसा का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिहार का आपने कहा, मैं इससे पहले उत्तर प्रदेश का देख चुका हूँ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद अभी जो लोकसभा हुआ 2019 का, किसी भी मतलब 100% शत प्रतिशत जितने भी एग्जिट पोल के बड़े बड़े सुपर स्टार थे, किसी ने भी 2017 में ना तो भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था, 235 को छोड़ दीजिए, और 2019 में ये सब महागठबंधन जो यहाँ बना था सपा और बसपा का, ये सब उसको बढ़त दिखा रहे थे। लेकिन मनीष जी आपको ताजुब होगा, मतलब अब आप इनकी असलियत, इनका चरित्र समझ लीजिए एग्जिट पोल का, कि मैं तो कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहा था, मैं बैठे बैठे लोगों से खबर ले रहा था, अपने मित्रों से, यह के संयोग से उत्तर प्रदेश में है लोग, उनसे कर रहा था। और मेरी जो अभी आपने कहा मेरी फेसबुक पोस्ट पे आज भी वो पोस्ट पड़ी, मैं लिंक आपको भेज दूंगा, कि बिना एग्जिट पोल के मैंने लिखा था कि 55 से 65, 60 एवरेज मान लीजिए, 55 भी हो सकती है और 65 हो सकती है, लेकिन 65 की ज्यादा संभावना है, रिजल्ट वही रहा। एक आपकी तरह अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो भी लगातार कर रहे थे, तो उन्होंने भी, उन्होंने अपने जो दी थी, उन्होंने कहा था 55 सीटें भाजपा की 2019 में होंगी, तो वो भी सही थे। और ये जो लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं चैनलों से, और इनके पता नहीं कितने लोग फील्ड पे, तो ये बता रहे थे, कोई कह रहा था 35 आएगी, कोई कह रहा था 40 आएगी, तो या तो ये पागल है और या ये ठग है, यार ये ठग है, दो ही चीजें हैं, ये सामान्य नहीं है, ये काम नहीं कर सकते, ज्ञानी समझते हैं। ये इसका मतलब ये जमीन पे तो काम नहीं करते बिल्कुल। मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है 2014 की, मनीष जी, उसमें नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के कुछ लोगों से बात की थी, 7 लोगों से बात की थी, संयोग से मुझसे भी उसमें बातचीत हुई, तो अच्छा, मैंने उनसे कहा, हाँ मैंने उनसे कहा था, वो रिकॉर्डिंग मैंने बहुत संभाल के रखी है, जब उससे उन्होंने पूछा कि क्या है, तो मैंने कहा था सर उत्तर प्रदेश पूरे देश को चौंकाने जा रहा है और आपको भी चौंकाएगा, तो वो हंस दिए थे। ये मैंने कहा भाई उनके भी आप देखिए, भाजपा का जो इंटरनल सर्वे था वो 50 से 55 सीटें उनको दे रहा था। अगले लाइव में हम उसे थोड़ा सा ऑडियो को वीडियो रूप में करके उसे दिखाएंगे और उस पर विश्लेषण जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप सुनवाइएगा, मैं भेज दूंगा, तो मैं सेव करके रखती हूँ। मतलब मैंने मोदी जी से कहा था कि उत्तर प्रदेश देश को चौंकाने जा रहा है और आपको भी चौंकाने जा रहा है, तो मैं तो कोई एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल नहीं कर रहा था, मैं जमीन की सच्चाई मुझे नजर आ रही, वो मैंने बताई थी ना। और ये लोग तो लाखों मतलब करोड़ों रुपए, आपको तो चैनल में तो आपको आइडिया होगा कि कितने करोड़ रुपया ये लोग लेते हैं चैनलों से, और उसके बाद ये उत्तर को दक्षिण बताया करते हैं। हमने कहा या तो ये पागल है और या तो मैं इन पर विश्वास कतई ही नहीं करता। ये जमीन से कटे हुए चिरकुटों की ऐसी टोली है सर, मैंने तो इन सालों तक देखा कि न्यूज रूम में बैठ करके 4 लोग बैठते हैं विश्लेषण कर देते हैं। जिन लोगों के नाम आपने बताए उत्तर प्रदेश में, ये लोग मुझे भी याद है, ये लोग ये बताते थे ना, अरे मुझसे बड़ा कौन एक्सपर्ट होगा, 55 से ज्यादा तो सीट नहीं आएगी बीजेपी। अच्छा ये सब विद्यार्थी परिषद से जुड़े, आरएसएस के प्रथम वर्ष किए हुए, अपने आप को जब काम निकालना होता तो ये भी कहते हैं ये सब, जब काम नहीं बने ये, फिर भी तब भी जब आपसे सर समझना चाहेंगे, बड़ा झा गोलमेल हो रहा है, लोग परेशान हैं कि बंगाल में अमित शाह कहते हैं 200+ और पीके ने कहा कि 100 से नीचे नहीं, 100 से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी, लेकिन उसी पीके का जो ऑडियो आया सुसु पत्रकारिता गैंग में, जो क्लब हाउस में, उसमें वही पीके कह रहा है कि बीजेपी बहुमत की तरफ जा रही है क्योंकि मोदी का वेव है, मोदी की लहर है, मोदी बहुत लोकप्रिय है, पूरा जो है एंटी मुस्लिम वेव चल रहा है और पूरी तरह से दलितों का वोट बीजेपी को, गैर गैर हिंदी भाषी जो है, गैर बंगाली बीजेपी को,
और खास करके हिंदू जो हैं पहली बार एकजुट होकर के किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन में ये जो एग्जिट पोल है वो बहुत चौंका रहा है। आप इसका व्यक्तिगत आपकी राय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने अनुभव के आधार पर कैसे क्या देखते हैं, आप कैसे क्या पा रहे हैं बंगाल के? पहले तो मैं आपको शुभ संकेत एक बता दूं बंगाल के चुनाव परिणाम का, कि पीके का एक बड़ा एक बयान पिछले 2-3 महीने से बहुत चर्चा में, सुसु वाली पत्रकारिता में भी, सुसु वाली चैट में भी आया, कि अगर भाजपा 100 के पार चली गई तो मैं ये काम छोड़ दूंगा जो करते हैं चुनावी मैनेजमेंट। ये पहली बार ये नहीं कह रहे हैं, जब ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय इन्होंने कांग्रेस का ठेका ले रखा था, तब ये मीडिया में आके कहा था, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कांग्रेसी से जो ठीक ठाक है, मतलब वो कोई ऐसा बड़ा गुप्त नहीं है, तो ये आदमी हर मीटिंग में ये कहता था, हर मीटिंग में जब बड़े नेताओं की बैठता था लखनऊ में, कि अगर कांग्रेस की सरकार ना बनी तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, यही इसका कहा, इसने काम छोड़ा, लेकिन चूंकि ये कहता था तो यहाँ हुआ क्या, वो सामने परिणाम अभी बंगाल में फिर कह रहा था, इसका मतलब ममता बनर्जी का तो नाश हो गया, क्योंकि ये कांग्रेस के पक्ष में, हाँ उनका नाश हो गया, अब इसने बंगाल में कहना शुरू किया तो ममता बनर्जी तो गई, यूपी में कांग्रेस के लिए कह रहा था सर तो 7 सीटें हैं 403 में से,